आखिर आ ही गया वैलेंटाइन डी डे, जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। हम कुछ रोज से रोज के रोज आपको रूबरू कराते रहे एक से बढ़कर एक चैंपियन वैलेंटाइन जोड़ियों से, जिनका पहला प्यार था उनका स्पोर्ट और इस जुनून ने ही उनको मिलवा दिया अपने जैसे ही एक हमराही से, जो धीरे धीरे बन गए उनके हम सफर भी। हमारी पहली जोड़ी थी सोनल पटेल और रमेश चौधरी की, जो पहली ऐसी टेबल टेनिस प्लेइंग जोड़ी है गुजरात से जो भारत को पैरा टेबल टेनिस के मिक्स डबल्स पार्टनरशिप में रिप्रेजेंट करती है। और ITTF इजिप्ट 2024 का सिंगल्स में गोल्ड मेडल, डबल्स में भी गोल्ड मेडल और मिक्स डबल्स में सिल्वर मेडल भारत के नाम कर चुकी हैं। दूसरी जोड़ी थी रेसलर बजरंग पुनिया और संगीता फोगाट की। संगीता रही हैं कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट, ब्रोंज मेडलिस्ट एशियन गेम्स में। बजरंग पुनिया एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के नवे पहलवान हैं। ये एक अकेले ऐसे भारतीय रेसलर हैं जिन्होंने वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप्स में भी 4 मेडल जीते हैं। तीसरी जोड़ी थी बैडमिंटन लवी डवी कपल, साइना नेहवाल और पारुपल्ली कश्यप। 2003 से शुरू हुए इस कोर्टशिप ने 2018 तक का इंतजार किया था शादी के बंधन में बंधने के लिए। वजह, देश के लिए मेडल्स, 3 बार भारत को ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करना, ब्रोंज मेडल जीतना, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, ऑल इंग्लैंड ओपन में फैंटास्टिक परफॉर्मेंस देकर वर्ल्ड नंबर 1 बनना। चौथी प्रेम कहानी थी आर्चर्स दीपिका कुमारी और अतनु दास की। ये भारत की पहली ऐसी सेम स्पोर्ट डिसिप्लिन पति पत्नी जोड़ी है जिसने ओलंपिक्स में भारत को रिप्रेजेंट किया था। आज भी ये पेरिस ओलंपिक्स की तैयारी के लिए अपनी 1 साल की बेटी को घर पे छोड़कर कोरिया में एक्सपर्ट ट्रेनिंग ले रहे हैं। पांचवी जोड़ी पुलेला गोपीचंद और PVV लक्ष्मी, भारत के टॉप बैडमिंटन खिलाड़ी जिन्होंने अपनी फैमिली लाइफ पूरी तरह से भारत के बैडमिंटन भविष्य को उज्ज्वल बनाने में समर्पित कर दी है। पुलेला नेशनल बैडमिंटन कोच है और लक्ष्मी 8 times नेशनल चैंपियन, और इनके बच्चे गायत्री और एस विष्णु भी भारतीय बैडमिंटन के आज के उभरते सितारे हैं। छठी जोड़ी है एथलीट सुंदर शर्मा और उनके कोच नायक गजेंद्र सिंह की, जिनके पास पैसे की कमी थी। 3 लाख लोन के पैसे से केवल ट्रेनिंग हो सकती थी, गवर्नमेंट से जो थोड़ी बहुत हेल्प मिलती थी वो डाइट और सप्लीमेंट्स में खर्च हो जाती थी, और ये मेहनत रंग लाई एशियन गेम्स चाइना में जब 2 सिल्वर मेडल सिमरन ने भारत के नाम कर दिए। वाह, इसे कहते हैं सच्चा प्यार, सच्चा वैलेंटाइन। जिस प्यार, जिस रिश्ते का उद्देश्य इतना नेक हो तो उसे कौन रोक सकता है एक मिसाल बनने से। शाबाश भारत, लगे रहो इंडिया। Radiant Sports Management, Sports for